और रुख करेंगे कराची का, जहां पीटीआई रुकन इमरान अली शाह की पुरानी फोक्सी गाड़ी में सिंध असेंबली आमद हुई। पीटीआई झंडे के रंगों से पेंट किया गया है। 1973 में वालिदा ने ड्राइविंग सीखने के बाद ये गाड़ी खरीदी और इमरान अली शाह की जानिब से बताया गया है इस बारे में, वालिदा की याद को ताज़ा करने के लिए इस गाड़ी में अक्सर सफ़र करता हूँ और अपनी इंतखाबी मुहिम में इस गाड़ी को भरपूर इस्तेमाल किया था, इमरान अली शाह की जानिब से कहा गया है। ये गाड़ी भी आपको दिखा रहे हैं। पीटीआई रुकन असम्बली इमरान अली शाह की पुरानी फोक्सी गाड़ी पर आज सिंध असम्बली आमद हुई है। इसी पर बात करेंगे अकरम बलोच से। अकरम बलोच, इस बारे में पीटीआई के रुकन क्या कहते हैं? पीटीआई रुकन डॉक्टर इमरान शाह आज अपनी पुरानी फोक्सी गाड़ी में सिंध असेंबली पहुंचे हैं। जो फोक्सी गाड़ी थी उसमें तकरीबन मुकम्मल गाड़ी को पीटीआई के झंडों से जो है ना वो सजाया गया था और इस तरह से कहना था कि उनकी वालदा ने जब ड्राइविंग सीखी तो 1973 में ये गाड़ी उन्होंने खरीदी और इस गाड़ी में वो अक्सर सफर करते हैं, अपनी वालदा को याद करते हैं। उनका कहना था कि मैंने अपने पूरे इंतखाबी मुहिम में इस गाड़ी को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया है। याद रहे कि अब से कुछ देर पहले जो पीटीआई के रुकन इमरान शाह हैं वो एक पुरानी फोक्सी गाड़ी में अचानक नमूदार हुए सिंध असेंबली में, तो यकीनन ये एक अचंभे की बात थी कि वैसे तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में, लग्जरी गाड़ियों में अराकीन आते हैं लेकिन एक बहुत ही पुरानी गाड़ी जो फोक्सी गाड़ी है उस पर जो है ना अचानक इमरान शाह जो पीटीआई के रुकन है वो नमूदार हुए। उस गाड़ी को जी वालदा की याद ताज़ा करने के लिए इमरान अली शाह पुरानी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। अकरम बलोच इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शुक्रिया आपका।